हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि ये जो पार्टीशन मैंने किया था, तीन तीन पार्टीशन है, एक दो और तीन। वो जो विंडोज का पार्टीशन है ये NTFS में है, लेकिन ये जो दो पार्टीशन है, कॉमन पार्टीशन और मैक पार्टीशन को मैंने ये इसको मैं पूरा के पूरा प्योर मैक पार्टीशन में करूँगा और ये कॉमन पार्टीशन फैट में करूंगा, जो फैट का ऑप्शन विंडोज में नहीं था। तो चलते हैं, हम कैसे हम ये करें। तो पहले ये लॉन्च पैड में क्लिक करें, उसके बाद आदर्श और ये डिस्क यूटिलिटी। तो आप यहाँ देखते हैं कि डिस्क यूटिलिटी में थोड़ा बहुत फाइल, ये ड्राइव आपको दिख रहा है। आप ये जो ड्राइव है, इंटरनल ड्राइव है, इतना ड्राइव है, इसको हम हाइड करें पहले। कोई एक्सटर्नल ड्राइव जो है, ये तीन तीन ड्राइव, ठीक है, मैक विंड पार्टीशन और ये कॉमन पार्टीशन जो विंडोज में मैंने पार्टीशन किया था। क्योंकि यहाँ ये मैक में आप पार्टीशन नहीं कर सकते, कोई एक्सटर्नल ड्राइव को आप पार्टीशन नहीं कर सकते। आप यहाँ कर सकते हैं, ये 1 मिनट, शो ऑल डिवाइस। ये जो है इंटरनल में, देखिए ये तीनों है, ये तो कार्ड रीडर का ये है, वो तो यहाँ रिजेक्ट कर देते हैं। ये दो, देखिए दो हार्ड डिस्क है इंटरनल ड्राइव में, तो इसको हम पार्टीशन करते हैं। ये देखिए ऑप्शन, पार्टीशन का ऑप्शन है, ये क्लिक करते हैं, इसको भी आप पार्टीशन करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ड्राइव है। अगर ये एक्सटर्नल है, देखिए इसके क्लिक करने के बाद यहाँ ये हाइलाइटेड नहीं है, क्यों, इसका मतलब ये आप पार्टीशन नहीं करते। इसलिए मैंने विंडोज में जाके इसको, मैं 1 TB जो हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल, उसको मैंने पार्टीशन कर लिया। तो वो पार्टीशन के करने से बाद जो मुझे ये करना है, ठीक है, तो इसको ये मैक जो है, मैक सेफ्टी जो मैंने नाम रखा है, इसको मैं अभी प्योर मैक में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए ये विंडोज का पार्टीशन है, विंडोज पार्टीशन NTFS से है, लेकिन NTFS में नहीं रखना है, ठीक है। इसको क्लिक करके मैक OS एक्सटर्नल जर्नल करके मैंने इरेज करता हूँ, ठीक है, डन कर दिया मैंने। तो अभी इसका पार्टीशन प्योरली मैक पार्टीशन है, मैक सपोर्टेड पार्टीशन है, इसको कुछ नहीं करना है। एक को मैं विंडोज और एक मैक, और इसको कॉमन पार्टीशन, इसको मैं इरेज करूँगा कि फैट, जो ये ऑप्शन, ये फैट पहले था विंडोज में, फैट पार्टीशन, लेकिन अभी आपने देखा था कि ये EX फैट है विंडोज में, ये फैट 32 नहीं है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये मैक के अंदर ही मैं ये पार्टीशन करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ फैट के लिए, डन। तो देखिए ये तीन पार्टीशन अभी हो गया, ठीक है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए ये मैक पार्टीशन देख लिया, ये आ गया इसका इंफॉर्मेशन। ये विंडोज पार्टीशन है, इसको ये इंफॉर्मेशन आएगा नहीं, ये ऑटोमेटिक आ गया। और एक ये कॉमन पार्टीशन जो फैट है, जो सपोर्ट करता है, इसका मतलब है ये पार्टीशन सपोर्ट करता है, और ये फैट पार्टीशन, कॉमन पार्टीशन, फैट पार्टीशन वो सपोर्ट करता है, और ये मैक का पार्टीशन सपोर्ट करता है। इसलिए दोनों का इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कैसे हम देखते हैं, ये गेट इन्फो करके, सॉरी ऐसा नहीं, राइट क्लिक करके शो व्यू ऑप्शन जाके देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये शो आइटम इंफॉर्मेशन, इसको आप अनचेक करें तो देखिए ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है,
अभी आप समझ नहीं सकते कि ये कौन सा ड्राइव विंडोज का है और कौन सा ड्राइव मैक पार्टीशन का है। तो इसलिए मैंने ये 100 आइटम इन्फॉर्मेशन को चेक किया था, इसलिए ये आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा पार्टीशन विंडोज का है और कौन मैक का। ठीक है, तो इसको हम मैक और ये भी मैक सपोर्टेड पार्टीशन है और ये विंडोज सपोर्ट नहीं करता ये पार्टीशन। ये यहाँ आप कोई भी फाइल क्रिएट भी नहीं कर सकते, कॉपी भी नहीं कर सकते। हमको आपको दिखाते हैं विंडोज पार्टीशन ओनली रीड ओनली होता है। तो देखिए ये कॉपी नहीं होता है, यहाँ कॉपी नहीं करता कर सकते हम। लेकिन आप मैक में जाइए, मैक फोल्डर के आप दीजिए, देखिए ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, इसलिए ये इसको मैक सपोर्टेड। और ये भी जो फैट में है, फैट 32 का जो पार्टीशन है, इसको देखिए यहाँ भी आप कॉपी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओनली जो विंडोज पार्टीशन है इसको आप कोई भी फाइल इसमें कॉपी नहीं कर सकते और यहाँ डिलीट नहीं कर सकते। अगर विंडोज में ये काम करेगा, विंडोज में आप कोई भी फाइल इसके अंदर है तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते, लेकिन कोई एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज आपको दिखाया ये कैसे विंडोज में पार्टीशन करके हम फिर मैक में आया और मैक में मैक और फैट का पार्टीशन मैंने किया। वो दोनों का 3 पार्टीशन मैंने आपको दिखाया, एक विंडोज, एक प्योर मैक और एक फैट पार्टीशन जो विंडोज और मैक में सपोर्ट करता है। मैंने फिर से एक बार विंडोज में रिस्टार्ट किया, इसलिए कि आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटेड ड्राइव है वो देखिए, ये 3 फॉर्मेट मैंने किया था, विंडोज पार्टीशन और कॉमन पार्टीशन और एक था मैक एसएफटी जो मैक का प्योर, मैंने बोला था मैक जो प्योर मैक पार्टीशन है वो विंडोज में पहले दिखाई देता था, लेकिन ये विंडोज 10 कुछ अपडेट आया है 1-2 साल में, तो ये अभी वो मैक पार्टीशन यहाँ नहीं शो करेगा। ठीक है, ओनली जो सपोर्टेड पार्टीशन है विंडोज का वही यहाँ सपोर्ट करेगा। देखिए ये विंडोज पार्टीशन NTFS में है, वो प्योर विंडोज का ही है तो NTFS, तो इसलिए ये शो हो रहा है। और ये कॉमन पार्टीशन फैट 32 का है तो ये शो हो रहा है, और ये शो हो रहा है इसलिए कि ये सपोर्टेड है, विंडोज सपोर्टेड है। और जो 3 पार्टीशन का एक पार्टीशन वो आप कभी भी विंडोज में दिखाई नहीं देगा, वो है प्योर मैक पार्टीशन जिसका नाम मैंने दिया था मैक एसएफटी। ठीक है, लेकिन ये तीनों पार्टीशन आपको मैक में दिखाई देगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 3 पार्टीशन जो एक दिखाई नहीं दे रहा अभी, वो आपको दिखाई देगा मैक में। जब आप मैक में रहेंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेंगे, तो अब आपको ये तीनों दिखाई देगा। ये कॉमन पार्टीशन है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है मैक 32, इसलिए दोनों में काम करेगा, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। ये सिर्फ अगर इसका कोई फाइल इसको यहाँ आप जो दिखाई देता है, ये देखिए ये एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया, देखिए ये फोल्डर क्रिएट हुआ, लेकिन वहाँ जो मैक में वो नहीं क्रिएट हुआ था क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको कंफर्म करने के लिए ये फिर से मैंने ये विंडोज में आया और आपको दिखाया। ठीक है, तो ये वीडियो आप अभी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, देखते रहे, और भी टेक्निकल वीडियो मैं आपके सामने ले आऊँगा। ओके।